वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपने त्रिकोणमिति की 10वीं क्लास थी अपनी, और उसमें मैंने आपको काफी अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन रह गए अपने के, जैसे कि झील का क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए आज वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आज का आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग तरह का पैटर्न है, अलग तरह का क्वेश्चन है, फिर एक सीढ़ी वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण दिया गया है आपको, चलो उससे पहले ये क्वेश्चन करें कि जल सतह से 30 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, वहां से देखने पर उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है, और झील के पानी में जो प्रतिबिंब है उसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें झील की जलीय सतह से ऊंचाई बतानी है, तो इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू क्या दी गई है और डायग्राम कैसे बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरह से डायग्राम करना है। उससे पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा कि क्लास को शेयर जरूर करें, और जो दूसरी बात आपको करनी है, स्पोर्ट जो करना है हमें, वो ये है कि जो भी एड आती है उसको जरूर देखें, एंजॉय करें, ठीक है, स्किप नहीं करें। तो आइए इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है झील की पारदर्शी जल सतह। सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, एक पारदर्शी जल सतह मानूंगा यहां। तो ये क्या है, मान लीजिए पारदर्शी जल सतह है, ठीक है, ये इसकी पारदर्शी जल सतह, ये है इसकी जल सतह जो इसके बारे में बोला गया। इससे 30 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, तो इससे 30 मीटर ऊपर मान लिया मैंने यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसको एक मैं ये इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। 30 मीटर ऊपर यहां पर कोई बिंदु है, इस तरह से ये पानी है यहां पर, इस तरह से। उसके बाद क्या बोला गया वो देखिए, 30 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, उस बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो अब वायुयान हम मानेंगे तो किस दिशा में मानेंगे, यहां पर मानेंगे, मान लीजिए ऐसा क्या बन रहा है, कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, इस तरह से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का, इस बिंदु से हम देख रहे हैं यहां पर, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या है, वायुयान है यहां पर, वायुयान, हवाई जहाज, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये हमें बोला गया इस क्वेश्चन में। उसके बाद बोला है कि झील के पानी में इस वायुयान का जो प्रतिबिंब है, अब वो देखिए ये जल सतह है यहां पर, ये सतह है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा अगर ये इतनी ऊंचाई ऊपर है इतनी नीचे बनेगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब मान लीजिए यहां पर ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इस तरह से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस पॉइंट से यहां पर मैच करना है, क्योंकि हम इस पॉइंट से ही देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको यहां पर मैच कर दीजिए। तो ये जो अब एंगल है यहां पर ये कितना है, 60 डिग्री है, ये दो चीजें हमें बोली गई है। अब हमें बताना है कि जो वायुयान है, ये वायुयान, इसकी जो झील की जलीय सतह यानी ये है, इससे ऊंचाई बतानी है, तो हमें ये टोटल जो ऊंचाई है वो हमें बतानी है। ये इसका क्या बन रहा है यहां पर, वायुयान का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब देखिए जो चीज हमें पता नहीं है उसको मान लेंगे, तो यहां पर ये तो 30 है, इतनी दूरी तो कितनी है, 30 है, इसको मैं h मान लेता हूं। तो अब हमें कहां पर लॉजिक अप्लाई करना है, कैसे करना है वो देखिए, ये h है, दोनों ही कंडीशन में दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, a b c और d, दो त्रिभुज बन रहे हैं, a b c बन रहा है और दूसरा b c d बन रहा है। दोनों में कॉमन बात क्या है, जो इसका बेस है यहां पर, ये जो बेस है वो दोनों में एक ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस आधार की वैल्यू निकालनी है और दोनों को बराबर रखने हैं। तो इसमें अगर ये h है, जो 30 डिग्री का मैंने आपको यहां पर त्रिभुज बताया था, इस तरह से क्या चीज बताई थी, अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, एक, आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक, अंडर रूट तीन और दो। दो का तो क्लियर है कि ये हमेशा इस करण की वैल्यू होती है। अब एक और अंडर रूट तीन में एक की वैल्यू छोटी है, तो छोटा एंगल है तो छोटी वैल्यू आएगी, यहां पर 60 डिग्री है, बड़ा एंगल है तो यहां पर बड़ी वैल्यू, यानी कि अंडर रूट तीन इसका माना जाएगा। तो अब देखिए ये h है तो इसका मान कितना हो जाएगा, h अंडर रूट थ्री, ये हो गया h अंडर रूट थ्री। अब आप मेरे को ये बताइए, ये दूरी h है,
ये 30 है, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी यहां पर, ये भी क्या हो जाएगी h प्लस 30 के बराबर होगी, ये h प्लस 30, तो इसका मान आ जाएगा h प्लस 30। अब ये जब h रूट 3 है तो ये, अब आपको देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये h रूट 3 है, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये h प्लस 30 है, ये 30 है। अब यहां पर ये इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, आप इसको ऐसे समझें, ये h रूट 3 है, एंगल यहां पर 60 डिग्री है, यहां तक तो इसका मान है h प्लस 30 और उसके ऊपर कितना है ये देखिए 30, त्रिभुज ये बन रहा है यहां पर, ये बात ध्यान रखिए, तो ये 30 है, तो टोटल यहां पर कितना हो गया h प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये h प्लस 60 किसके बराबर होगा, आप वापस यहां से देखिए, 60 डिग्री के साथ जो बन रहा है वो 1 के बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, रूट 3 गुणा, तो जब इसको अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो ये भुजा कितनी बन जाएगी यहां पर, इसका मान आ जाएगा 3h के बराबर आएगा, इसको अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तभी तो इसका मान आएगा। देखिए 60 के सामने की भुजा अंडर रूट 3 गुणा है और जो इसके साथ में है वो 1 है, तो अंडर रूट 7 के सामने यानी कि ये भुजा, इसके साथ यानी कि h अंडर रूट 3 है वो 1 के बराबर है, तो ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 3h। अब हमें पता है कि इसका एक मान तो हमें मिल रहा है 3h मिल रहा है और दूसरा कितना मिल रहा है h प्लस 60 मिल रहा है, तो h प्लस 60 3h और h प्लस 60 ये दोनों बराबर होंगे यहां पर, तो h को इधर ले आइए, 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 आएगा और h इक्वल टू आ जाएगा 30, तो यहां पर आपको h की वैल्यू कितनी मिल गई 30 मिली है। अब जहां भी h वहां पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू है 30। अब हमें पूछा है वायुयान की जलीय सतह यानी यहां से ऊंचाई कितनी है, तो आप बता सकते हो 30 और 30 60, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब ये दूरी 60 है तो ये भी टोटल कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू रख दीजिए 60, जलीय सतह से ऊपर अगर 60 है तो प्रतिबिंब भी तो 60 की दूरी पर ही बनेगा, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वायुयान और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 और 60 120 आंसर होगा आपका, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों डायग्राम में यह चीज ध्यान रखनी है कि एच अंडर रूट 3 यहां से आ जाएगा, फिर इसके हिसाब से इस भुजा की दूरी बता दीजिए, इस भुजा की दूरी आपको इस टोटल के इक्वल रखनी है, सिंपल सा स्टेप है। अब ये क्वेश्चन करिए जो आपको मैंने पहले दिखाया था, यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर एक बिंदु है उससे बादल का उन्नयन कोण, भले ही आपको बादल बोले या आपको क्या बोल देगा या बोलेगा वायुयान, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कितना एंगल दिया गया है वो चीज भी ध्यान रखें, तो पूरा डायग्राम यही है, आपको बोला गया है कि 200 मीटर ऊपर एक बिंदु है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर ऊपर एक बिंदु है, और अब ये क्या है यहां पर बादल है, बादल इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये बादल है, उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री ही बोला गया है और झील में उसका जो परावर्तन है, परावर्तन यानी कि यहां पर इसकी जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका अवनति कोण, तो ये एंगल कितना बोल दिया गया है डाउन की तरफ, अवनति का मतलब होता है नीचे की तरफ, तो ये एंगल आपको बोला गया है 60 डिग्री बोला गया है। उसके बाद हो तो अब यही 60 क्यों होगा वो ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, यहां से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन हो जाएगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो अवमन हो जाएगा या अवनति हो जाएगा, तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई आपको बतानी है, तो ये झील है, यहां से ऊपर आपको बादल की ऊंचाई बतानी है, ये दूरी आपको बतानी है, तो इसका मान 200 है, सेम वही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा एच हो जाएगा, तो ये एच रूट 3 हो जाएगा, इसी तरह से ये अगर एच रूट 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वापस 3h के बराबर आएगी, 3h जो है वो किसके बराबर होगा, ये h है, ये 200 है, तो ये कितना हो जाएगा h प्लस 200, तो ये h प्लस 200 है, तो इस त्रिभुज में ये टोटल जो भुजा है ये कितनी हो जाएगी h प्लस 200 प्लस 200, ठीक है, क्योंकि हमें इस त्रिभुज की बात करनी है पूरे की, इस पूरे त्रिभुज में अगर देखें तो h प्लस 200 प्लस 200 आएगा और ये 3h है, इस टोटल के बराबर है, तो यहां से 2h आ जाएगा 400 और h की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 200, h की वैल्यू यहां पर 200 रख दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा
क्या राइट आंसर आ जाएगा 400। तो एक तरह से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसने अगर ये 200 बोला है तो ये भी 200 हो जाएगी, ये 200 है और ये भी 200 हो जाएगी। कब होगी? जब एंगल 30 और 60 डिग्री है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब एंगल 30 और 60 है तो ये 200 तो ये भी 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील की, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रेक्षक है वो समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के शीर्ष से देख रहा है। आपको लैंग्वेज समझनी है इस क्वेश्चन में। प्रेक्षक जो बैठा है वो पहाड़ी पर बैठा है, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र में दो नौकाओं का अवनति कोण कितना है? 45 डिग्री और 30 डिग्री है, कुछ नहीं है। ये इस तरह से आपको पहाड़ी माननी है और यहां पर जो वो व्यक्ति है वो बैठा है और वो दो नावों को किस तरह से देखता है? वो इस तरह से दो नाव को देख रहा है, इस तरह से दो नाव को देख रहा है। एंगल अब आपको बताया, जो दूर एंगल होगा वो 30 डिग्री है, जो पास में होगा वो 45 डिग्री है। और कितनी ऊंचाई बोली गई है? 500 मीटर है, 500 मीटर है। ये जब 45 डिग्री एंगल इस त्रिभुज की हम बात करेंगे तो ये 500 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, यदि दोनों नौकाएं पहाड़ी की एक ही दिशा में है, ये पहाड़ी है इसकी एक ही दिशा में है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर अपोजिट साइड में है तो डायग्राम इस तरह से बनेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी उसके बाद देखिए क्या लिखा है, तो उनके बीच की दूरी, तो ये दूरी आपको बतानी है। तो आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये डी है ये एच है, तो डी बराबर मैंने आपको बताया था एच कोट थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये चीज मैंने आपको बताई थी। आप इसमें रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। डी की वैल्यू हमें पता करनी है, या फिर आप इसको डी मान लीजिए और टेन थीटा अप्लाई कर दीजिए इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, कुछ नहीं करना। यहां पर डी पड़ा है, ठीक है, एच की वैल्यू 500 रख दीजिए और कोट यहां पर एंगल रख दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्षितिज तल पर खड़ी हुई मीनार अपने मूल आधार से 160 मीटर दूर एक बिंदु है, यहां पर कोई, ये एक मीनार है यहां पर, इस तरह से आप करें इस क्वेश्चन को। एक मीनार है वो अपने मूल बिंदु से 1600 मीटर दूर कोई बिंदु है, उससे एक निश्चित कोण बना रही है, पता नहीं कितना बना रही है। उस बिंदु को 100 मीटर आधार की ओर ले जाने पर मीनार से बना कोण पहले का दो गुना हो जाता है, तो उस मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। आपको दिया गया है कि कोण है वो डबल हो रहा है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, 160 मीटर दूर यहां पर कोई पॉइंट है, 160 मीटर, ठीक है, एक बिंदु से एक निश्चित कोण बना रही है यहां पर इस तरह से, कोई भी एंगल है थीटा 1। उसके बाद उस बिंदु को 100 मीटर आधार की ओर लेकर जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे 100 मीटर, जब हम चलकर यहां पर आ गए, मान लीजिए चलो इसको और कम कर दे रहा हूं मैं, यहां पर आ गए 100 मीटर हम चल लिए, तो ये कितना बच जाएगा यहां पर? 60 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला क्या गया है, एंगल है वो डबल हो रहा है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो रहा है। उसके बाद तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनमें टेन थीटा अप्लाई कर दीजिए, इसकी हाइट मान लेता हूं एच है, ठीक है, तो बड़े त्रिभुज में मैं अप्लाई कर रहा हूं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? टेन थीटा बराबर एच बटे 160, क्योंकि पूरी दूरी आएगी यहां, ठीक है, तो h बराबर टेन थीटा बराबर आ गया h बटे 160। छोटे त्रिभुज की अगर बात करें तो एंगल है टेन 2 थीटा बराबर h बटे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, लंब बटे आधार से। अब यहां पर आपको टेन 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, आ जाइए तीनों बता देता हूं मैं यहां पर। टेन 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। इसी तरह से कोस 2 थीटा की अगर बात करें तो इसको अपने ऐसे भी ले सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला भी आप यहां से बना सकते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां पर, यहां पर 2 tan थीटा है, 2 tan थीटा अपॉन यहां पर माइनस है तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, टेन टू थीटा कोस का और साइन का, ठीक है। तो ये चीज आप आपको यहां पर अप्लाई करनी है, तो इसको मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। टेन टू थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां पर, तो इसको तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, इसकी जगह लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, h अपॉन 60। टेन थीटा की वैल्यू यहां पर रख दीजिए h बटे 160, तो 160 आ जाएगा, बटे में आएगा यहां पर 160, h से h कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कट रहा है 8 बार, और फिर यहां पर कट जाएगा 3 और यहां पर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 3 बराबर ये आ जाएगा, ये क्या है 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां पर है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 tan स्क्वायर थीटा इधर लेकर आ रहा हूं मैं, तो 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4, ये 3 उधर चला जाएगा, इसको मैं इधर लेकर आ गया और 3 इधर आ गया है, तो ये बच जाएगा 1। यहां से आप टेन थीटा की वैल्यू पता कीजिए, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/4, ये 4 अपॉन में जाएगा, फिर इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/2 यहां पर आपको वैल्यू मिल रही है किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, तो अब आपको पता चल रहा है कि अगर लंब की वैल्यू 1 है तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए जो आपको डायग्राम मैंने आपको बनाया था शुरू में, अपने डायग्राम बनाया था वो किस तरह से था, इस तरह से वो डायग्राम था, क्या कंडीशन थी उसमें, यहां पर थीटा एंगल था, फिर 100 मीटर चलने के बाद एंगल डबल हो रहा था, 2 थीटा हो रहा था, टोटल दूरी है वो 160 थी यहां पर, ये 100 और ये 60। अब देखिए टेन थीटा की बात कर रहा है, वो कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इसको तो मैं यहां पर साफ कर दे रहा हूं एक बार, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, तो उसमें ये कह रहा है कि लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू 2 है, तो ये 160 है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो इसकी जो लंब की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहां पर ये 160 है तो ये क्या हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर आपका यहां पर राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एंगल का मान बताओ, तो टेन थीटा बराबर आपके पास कितना आया है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है आपके पास, यहां से एच आपने बताई दी है तो यहां पर रख दीजिए, या आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, टेन थीटा बराबर 1/2 आया है, तो एंगल थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जरूरी नहीं है हमेशा एंगल ऐसे ही हो कि 0 डिग्री, 30, 60, 45, ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन को उधर लेकर जाइए, टेन इनवर्स 1/2, तो जब एंगल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 आपका राइट आंसर है। तो 80 मीटर इस क्वेश्चन में इसकी हाइट आपको मिलेगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका ऊपरी भाग दीवार के निचले हिस्से से कितनी दूर है, 10 फीट है, और उसके बाद आपको कंडीशन दी गई है यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, पर जब वो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो सीढ़ी क्या हो जाती है, फिसल जाती है। ये क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाइए किस तरह से बनेगा, तो मान लेते हैं ये दीवार है हमारा, ठीक है, दीवार है, इस तरह से क्या थी, एक सीढ़ी थी इस तरह से, इस तरह से ये सीढ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, दीवार से दूरी कितनी है, ये 10 फीट दूरी है इसकी, और ये एंगल कितना बना रही है, वो एंगल बना रही है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, पर जब वो व्यक्ति इस पर चढ़ रहा होता है, ये सीढ़ी है, जब चढ़ेगा तो सीढ़ी क्या है, यहां से फिसल जाती है, तो जब सीढ़ी अगर मान लो ऐसे है, फिर फिसल जाएगी, यानी कि अब यहां पर आ जाएगी और कुछ पीछे की तरफ चली जाएगी, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है डायग्राम बनाते वक्त कि पहले ऐसे थी, तो अगर ये फिसलेगी नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ इस तरह से आएगी कुछ, तो ये यहां पर इतनी दूरी पर चली जाएगी। एक बात ध्यान रखना,
दोनों जगह ये सीडी है और ये भी क्या है सीडी है, इन दोनों की लंबाई एक ही रहेगी, सेम लंबाई रहेगी। तो अब आपको जब ये 10 फीट दिया गया है तो आप इस सीडी की लंबाई मेरे को बता सकते हो उस त्रिभुज से, ठीक है। और उसके बाद जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको पता ही है एंगल कम होगा यहां पर। आपको बताना है सीडी ऊपर से कितनी फिसली, यानी कि ये दूरी जो है वो आपको बतानी है। तो ये दूरी कैसे बता पाएंगे जब हमें ये दूरी भी पता हो, ये भी पता हो या टोटल पता हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज से आप मेरे को क्या बता सकते हो, इस दूरी का मान बता सकते हो, और बड़े वाले त्रिभुज से यानी कि इस त्रिभुज से आप मेरे को ये पूरी दूरी बता सकते हो। तो ये 10 फीट है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आप मेरे से यहां से देखिए 60 के सामने अंडर रूट 3 होता है और इसके पास 1 होता है, इस तरह से ये डायग्राम बना रहा हूं मैं वापस, 60 1 अंडर रूट 3 और ये होता है 2। तो ये कितना है, ये 1 के बराबर है और ये अंडर रूट 3 यानी कि 10 अंडर रूट 3 के बराबर इसकी वैल्यू आएगी, कौन से की, पूरे की, क्योंकि मैं पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू है 10 अंडर रूट 3 इसका मान आ जाएगा यहां पर। उसके बाद देखिए छोटा त्रिभुज ये 10 अंडर रूट 3 है, तो इस सीडी की लंबाई क्या हो जाएगी, वो देखिए 10 है वो 1 के बराबर है, तो ये क्या है 2 के बराबर, यानी कि 20 फीट है वो कितनी हो जाएगी सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई है 20 फीट। अब ये सीडी है वो फिसल चुकी है तो भी ये 20 फीट ही रहेगी यहां पर, ये चीज ध्यान रखनी आपको, 20 फीट ही रहेगी। जब करण की वैल्यू 20 फीट है, एंगल 30 डिग्री है, तो आप मेरे को इस लंब की वैल्यू भी बता सकते हो किस तरह से, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, अब सिर्फ इस त्रिभुज की बात कर दी है 30 डिग्री वाले त्रिभुज की, आपको इस तरह से दिया गया है ये 20 है ये एंगल 30 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 के बराबर है, हमें इस 1 की वैल्यू बतानी है, 2 अगर 20 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये जो भुजा है वो कितनी आ गई है 10 आ चुकी है। जब ये 10 है और पूरी 10 अंडर रूट 3 है, तो जितनी दूरी फिसल गई है, सीढ़ी पहले यहां थी अब यहां पर आ चुकी है, तो कितनी फिसल चुकी है, ये इतनी फिसल चुकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 में से आप 10 को माइनस कर दीजिए, 10 अंडर रूट 3 माइनस 1 ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 1.732 माइनस 1 ये आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.732 से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7.32 इसका राइट आंसर है, अगर ये मीटर में तो मीटर में इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका जो फिट है तो फिट, तो ये सॉरी फिट में है यहां पर यूनिट इसकी, तो आपका ऑप्शन सी है ऑप्शन 3 वो इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कितनी फिसली है, या क्वेश्चन कैसे कह सकता है वो देखिए कि अब ये कितनी दूर है, अब ये जो दीवार से है इसका जो निचला हिस्सा है वो कितनी दूरी पर है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले ये 10 फीट था, अब आपको पता करना है ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये चीज भी पता कीजिए अब जल्दी से, ध्यान से देखिए, ये टोटल कितनी है 20 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिए 1 है वो 10 के बराबर हो गया, तो ये टोटल हो जाएगी 10 रूट 3 हो जाएगी, 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 10 अंडर रूट 3 है, तो आपका राइट आंसर 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां से आपका आंसर आया था 7.32 मीटर फिसल गई है, तो ये भी तो सेम ही होगा यहां पर, 7.32 मीटर ही तो होगा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको झील का क्वेश्चन करवाया था उसका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब भी ये डायग्राम बना था हमारा इस तरह से, यहां पर कोई बादल है वायुयान है, तो ये ऊंचाई आपको जैसे 30 मीटर या 200 मीटर दी गई थी, तो ये आपको बताना था, ये 30 है तो ये ऊपर वाली भी 30 हो जाएगी जब एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री हो ओनली इस कंडीशन में, ठीक है। टेन बीटा प्लस टेन एल्फा अपॉन एच टेन बीटा माइनस टेन एल्फा इसका राइट आंसर होगा। इस कंडीशन में आपको टोटल दूरी मिल जाएगी, कौन सी दूरी, जो हमारा राइट आंसर 60 आया था वो आपको टोटल इसकी ऊंचाई मिल जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं थोड़े अलग है, मैं करवा भी चुका हूं, देखिए
त्रिभुज PQR में Q पर क्या है, समकोण है, यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, ये Q है, इस पर समकोण है और PQR त्रिभुज का नाम है। उसके बाद P पर जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर मैं P मान रहा हूं, यहां पर एंगल 60 डिग्री का दिया गया है, ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, ये PQ क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमें पूछा है cot R प्लस रूट 3/2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कुछ नहीं करना, cot R की वैल्यू बता कीजिए, cot R R एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो cot R की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये चीज आपको ध्यान रखना है। cot R ये चीज आपको पता है, आर एंगल आपको पता है, जब इनकी वैल्यू दी गई हो तो आप ऐसे मान निकाल सकते हैं, जब एंगल दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना, कोट आर यानी कि कोट 30 प्लस रूट 3/2 की वैल्यू रख दीजिए, कोट 30 क्या होता है, 10 60 के बराबर, यानी कि √3 के बराबर प्लस √3/2, तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज के कोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक त्रिभुज है ABC, इस तरह से ये त्रिभुज है, अब ABC किसको माने, मान लीजिए मैं इसको A, इसको B और इसको C मान रहा हूं, वो कोई मैटर नहीं है, कोई भी दो तीनों कोणों का योग है वो क्या होता है, 180 होता है, आपको पता है। अगर मैं तीसरे एंगल की बात करूं, मान लीजिए अगर मैं सी की वैल्यू निकालता हूं यहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी, जब 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरे एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, आपको ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन को करना है। लेफ्ट साइड में ए प्लस बी एंगल है, राइट साइड में कौन सा है, सी एंगल है, तो सी एंगल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, या आप A प्लस बी एंगल को क्या लिख सकते हो, A प्लस बी एंगल का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 180 में से C को माइनस करेंगे, तो ये चीज आपको वहां पर पुट करनी है और कौन सा गलत है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आइए मैं चारों ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहले दिया गया है कोस और साइन, सबसे पहले जो दिया गया है वो है कोस A प्लस बी बटे दो इक्वल टू साइन सी बटे दो, ठीक है। उसके बाद दिया गया है टेन और सेक, टेन ए प्लस बी बटे दो, और यहां पर दिया गया है सेक सी बटे दो, और उसके बाद कोट ए प्लस बी बटे दो, और उसके बाद दिया गया है टेन सी बटे दो एंगल दिया गया है, और उसके बाद है साइन और कोस दिया गया है, साइन ए प्लस बी एंगल है बटे दो, और यहां पर है कोस एंगल सी बाय टू आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी की जगह 180 रख दीजिए, तो यहां पर क्या चीजें बनेगी वो देख लीजिए, ए प्लस बी बटे दो, जब इसकी जगह मैं 180 माइनस क्या रखूंगा, सी रखूंगा यहां पर, फिर दो को आप अलग अलग कर लीजिए, कैसे बनेगा ये, जब 180 में भाग दूंगा तो यहां पर 90 बनेगा और माइनस सी बटे दो बन जाएगा, तो इसको मैं सभी जगह ऐसे लिख दे रहा हूं, 90 माइनस सी बटे दो लिख रहा हूं, ए प्लस बी बटे दो की जगह 90 माइनस सी बटे दो, 90 माइनस सी बटे दो। अब आपको पता है 90 हो तो चेंज होता है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, यहां पर साइन में चेंज होगा आपको पता है, टेन चेंज होगा कोट में चेंज होगा, कोट है वो टेन में चेंज होगा, और साइन है वो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, 90 माइनस है, तो ये चीजें अगर आपको ध्यान नहीं है तो दूसरी क्लास मैंने इसकी लगाई थी, लिंक आपको मिल जाएगा, तो जरूर देखिए, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, जो भी एंगल है वो यहां आ जाएगा सी बटे दो, सी बटे दो और सी बटे दो, सी बटे दो। अब आप मैच कर लीजिए, तो ये इसके इक्वल मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बाकी सब इक्वल है, जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या है, गलत। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो भी देखिए, देखिए कोस साइन में चेंज होता है हमें पता है, कोट भी टेन कोट आपस में चेंज होते हैं पता है, साइन कोस आपस में होते हैं, पर टेन है वो कोट में चेंज होता है, सेक में चेंज नहीं होता, तो यहां से डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ये ऑप्शन है वो इसका गलत है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाया नहीं आपको, पर मैंने आपको ये फॉर्मूला है वो सारे लिखवाए हैं, वो देखिए किस तरह से, इस क्वेश्चन को देखिए,
कोस अंडर रूट में दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है तीन बार यहां पर, 2 प्लस अंडर रूट वापस 2 प्लस अंडर रूट 2 और उसके बाद प्लस 2 कोस 8 थीटा आपको बोला गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उससे पहले आप कुछ फॉर्मूला देखिए जो मैंने आपको लिखवाए थे। कोस 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बोल दीजिए, या फिर 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 लिख दीजिए, या फिर इसका क्या होता है कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। एक बात ध्यान रखिए, यहां पर 2 थीटा है और यहां पर ओनली थीटा है सभी में, तो ये चीज आपको मेनली इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। जो फॉर्मूला यहां पर हमारे काम आने वाला है वो है ये। ठीक है, अब देखिए यहां से इस एक को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, इस एक को कोस 2 थीटा, इस एक को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो यहां पर एक बन जाएगा। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो देखिए 1 प्लस 2 कोस 2 थीटा बराबर क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 थीटा का मतलब ये नहीं है कि यहां पर ओनली 2 थीटा ही होना चाहिए, बात ये है कि यहां पर एंगल है और यहां पर है, इसका क्या है ये डबल है, यहां पर थीटा है तो यहां 2 थीटा होगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, और यहां पर 4 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मैं इसमें 2 कॉमन ले रहा हूं, प्लस में 1 ही होना चाहिए, 2 कॉमन लूंगा तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा बन जाएगा। 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, यहां पर 8 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 बनेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा बन जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा यहां पर, तो इसकी जगह देखिए अगला स्टेप ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस ये बनेगा 2 बाहर मल्टीप्लाई में है, अंदर क्या आ जाएगा यहां पर 2 कोस स्क्वेयर 4 थीटा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट है तो इसका क्या बनेगा यहां पर 4 का आ जाएगा 2 और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। वापस देखिए वही टर्म बन चुकी है, वापस 2 को कॉमन लीजिए तो ये क्या बचेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बनेगा। अब यहां पर 4 थीटा है तो यहां पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर 2 थीटा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 कोस स्क्वेयर 2 थीटा। अब वापस ये क्या बनेगा 4 बनेगा, फिर वापस इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये 2 बन जाएगा और स्क्वेयर हट जाएगा। वापस अब देखिए 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा बन गया, फिर 2 को कॉमन ले लीजिए दोनों में तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। वापस इसकी जगह यहां पर अब क्या पुट करेंगे 2 कोस स्क्वेयर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा। 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 4, वापस अंडर रूट को हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा। तो 2 कोस थीटा इसका राइट आंसर है यहां पर, 2 कोस थीटा जो आपका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 2। अगर मान लीजिए यहां पर ओनली थीटा आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एंगल जस्ट आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 22.5 डिग्री का मान आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए कि अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है, बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे, आपको बताना है साइन का। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, हमें 22.5 डिग्री का मान नहीं पता, पर अगर 22.5 को डबल करेंगे तो हमें पता है कितना बनता है, 45 डिग्री बन रहा है, तो उसका मान हमें पता है। तो किस तरह से करेंगे, तो आपको याद रखना है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहां पर क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा था। ठीक है, अब आपको साइन थीटा यानी कि साइन 22.5 डिग्री का मान पता करना है, तो किस तरह से करेंगे वो देखिए, यहां से ध्यान रखिए आप थीटा की जगह 22.5 डिग्री रख दीजिए, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर मैं जब इसको पुट करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 डिग्री कितना बन जाएगा 45 डिग्री बनेगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 22.5 डिग्री, ये बनेगा यहां पर। एक इसको इधर लेकर आ रहा हूं मैं, इसको इधर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए इसको जब इधर लेकर आऊंगा और इसको इधर, तो किस तरह से कंडीशन बनेगी, ये बन जाएगा इस तरह से कुछ 1 माइनस कॉस 45 टू साइन स्क्वेयर, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 45 होता है 1 बटे अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, ये है 2 है, इसका एलसीएम ले लीजिए यहां पर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 बनेगा, फिर 2 है वो अपॉन में आ जाएगा तो ये इस तरह से बनेगा, और जब स्क्वेयर हट जाएगा
तो इस पूरे के क्या लगेगा, अंडर रूट दो लगेगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। बाय चांस एग्जाम में यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू रूट टू किसी अंडर रूट आठ भी निकाल सकता है, ठीक। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पर नौ क्वेश्चन करवाए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, नौ के नौ अलग क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आपको नहीं करवाए थे। क्लास कैसी लगी जरूर लिखिए, कमेंट में लिखकर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और जो नेक्स्ट क्लास है अपनी वो होगी किसी श्योर है वो एडवांस के टॉपिक पर ही होगी, एडवांस मैथ में ही होगी, ठीक है। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।